ये हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है भाई, दिखाएं इधर ऊपर से ये। वाह जी वाह, अस्सलाम वालेकुम। ये अपना जुम्मा पकवान नाजमाबाद 1 नंबर अल हसन चौक पे अपने पकवान का आगाज़ हुआ है, जहाँ पे बासमती चावल में आपको तमाम ऑर्डर वगैरह काउंटर पे भी दी जा रही है। यहाँ पे पैकेज भी आपके लिए रखा गया है, 2 बिरयानी पे 1 बिरयानी, 2 पुलाव पे 1 पुलाव पैकेज, वो हटा दें। अभी 5 किलो की जो है ना आपको ये रेसिपी बता रहे हैं अपनी हम, 5 किलो चिकन बिरयानी जी, चिकन बिरयानी ना चावल के अंदर बासमती चावल, ये लहसुन, ये अदरक लहसुन है, सिर्फ लहसुन है, अदरक लहसुन है। कितना कितना डाल रहे हैं ये? तकरीबन आधा आधा पाव जो है आप देख, हाँ हरी मिर्ची का पेस्ट, ये पेस्ट है। अच्छा अच्छा ज़बरदस्त, ठीक है। और ये अपनी कुटी हुई मिर्च है, अंदाजन कितनी डलेगी ये? 1 मुट्ठी जैसे आपको दिखाए 100 ग्राम जो, 100 ग्राम सही। और ये पिसी हुई मिर्च अपनी 50 ग्राम, 50 ग्राम आ गई। ये बिरयानी मसाला है अपना, बिरयानी मसाला है, ये खुद बनाते हैं ये भर का होता है जी? अपना अपनी रेसिपी हमारी सब अपनी, मसाले अपने वगैरह पीस के हुए। ये हल्दी हो, हल्दी कितनी टोटल अंदाजन? 30 ग्राम, 30 ग्राम हल्दी हो गई। और हजामा खास बताए का? हाँ ठीक है जी, लवर ये ऑयल है, आधा किलो आपको ऑयल ये स्टेम डालते हैं, फिर 1 किलो ऑयल बाद में डलेगा, 5 किलो टोटल 1.5 किलो, 1.5 किलो ऑयल इस्तेमाल होता है जी। आपकी अच्छा रेसिपी थोड़ी नई ट्राई की, क्योंकि मैंने पहले देखा अमूमन पहले बाद में मसाले लगाते हैं, आप पहले लगे मसाले लगा रहे हैं। ये पानी है तकरीबन 2 लीटर पानी होगी। अभी चिकन लगाएंगे जी, अभी तो इसको मैरिनेट करते हैं या उसी वक्त चूल्हा जला देते हैं? ये बस ये अभी आपको जो है देखें, ये पूरी रेसिपी आपको दे रहे हैं हम इसीलिए अपनी, डायरेक्ट डाल देंगे मैरिनेट जी। अच्छा जबरदस्त, ये चिकन है 5 किलो, ये 5 किलो चिकन है जी। अच्छा अभी इसमें डायरेक्ट डाल देंगे, डायरेक्ट डाल देंगे, ठीक है जी। ये डल गई है, ये चिकन डल गई, जबरदस्त। और ये अब चूल्हा जला दिया जाए, अब चूल्हा जलाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ तक, हाँ। ये चिकन डालने के बाद आपको बनाई करके दिखाई जा रही है। इसको कितनी देर तक भूनते हैं आप? ये सिर्फ 5 से 7 मिनट, 5 से 7 मिनट। चूल्हा हल्का कर देते हैं या बंद कर देते हैं? नहीं बंद कर देते, बंद कर देते चूल्हा, 5 मिनट जला के फिर चूल्हा बंद कर दिया जाता है। सही, आलू बुखारे ये देखें, आलू बुखारा बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, हमारे यहाँ आलू बुखारा भी इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर लोग कमर्शियली तौर पे इमली इस्तेमाल, इमली इस्तेमाल करते हैं, और हमारे यहाँ ये आधा किलो दही, लोग दही भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्राय नाम, हमारे यहाँ आधा किलो 5 किलो में आधा किलो ही दही डाली गई है, क्योंकि दही का तो हमारा घर की दही है, हमारा डेयरी का भी काम है। तो इसको हाँ 5-7 मिनट इसको पका के तो फिर इसमें जो है अपन चावल लगा। कितने में बात करी आज ने? जरा चेक करो जरा, हाँ उस्तादों की तरफ ये आ नमक होते सब बराबर है जी? ये उबला हुआ आलू है और ये 1.5 किलो आलू है, 5 किलो में, 5 किलो में 1.5 किलो आलू कमर्शियल जी। और अभी लाएंगे जी, कितना डाल देंगे? 50 ग्राम, ठीक है। अच्छा अभी आप पकाएंगे या फिर तेल लगाएंगे? बस सिर्फ तेल लगाएंगे, जबरदस्त। और ये टमाटर, टमाटर कितना है? टमाटर 1 किलो, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या बारी? इसके बाद आएगा कलर, कलर आएगा। कितने डाल सकते हैं? कोई भी डाल सकते हाँ, कोई हल्का इस्तेमाल करता है, कोई तेज इस्तेमाल, ठीक है।
पानी गर्म हो गया, चावल मिलाएंगे इसके अंदर। ठीक है जी, चावल पानी गर्म हो गया, चावल कितने बनाए? 5 किलो जी, चावल 5 किलो चावल जी भी अपने बनाए हैं ना। अच्छा, पानी ज़्यादा था, पानी कम कर रहे हैं चावल में? पानी चावल में लगता है। अच्छा, आखिर में जो लगाते हैं। ठीक है, अच्छा ये पहले कनी के चावल निकाल रहे हैं आप? ये पहले कनी के। ठीक है जी, देखें जी पहले कनी के चावल ये निकाल कर लगा रहे हैं। जैसे थोड़ा पानी निकल जाएगा तो फिर। ठीक है, जगह साथ चले जाए उसके। चावल अब पहली करनी वाली जो है चावल है वो लगा रहे हैं। ठीक है जी, अब दूसरी करनी वाले आएंगे, वो ज़्यादा पके हुए होंगे, वो तैयार होंगे। ये दूसरी करनी के चावल आ गए जी। अब इसको दम पे रखेंगे या चूल्हा खोला? अभी चूल्हा ऑन कर दिया है, चूल्हा जला दिया आपने हल्की आंच पे। अब हल्की आंच पे कितनी देर पकाते हैं इसको? 10 मिनट दम पे। ठीक है, थोड़ी देर तेज चूल्हे पे पकाएंगे और उसके बाद हल्का कर देंगे। सही है जी, चले जी आ गया। हाँ हाँ, इससे जायका ज़्यादा अच्छा होता चावलों का ना। अच्छा देखिए जी, जो उबले हुए चावल है उसका पानी डाल देंगे। ये हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है भाई, दिखाएं इधर ऊपर से ये। वाह जी वाह, और ये बिरयानी सामने काउंटर पे जाएगी। देखिए सामने ये एक जाली बनती रहती है और यहाँ से बनकर जाती है और वहाँ पर बिकती है, ताज़ा ताज़ा बिकती रहती है, ज़बरदस्त जी। अच्छा ये आखिर में तेल रह गया जी, ये देखें ये 1 किलो तेल आपने जो कहा था, ये अब ये 1 किलो तेल का तड़का। तो अभी इसको डायरेक्ट ये खाने के काबिल हो गई है, इसको थोड़ी देर रखेंगे, मैरिनेट करेंगे। तैयार हो गई है, चलो ज़बरदस्त।